मुल्क के पहले मुजाहिद आज़ादी कर्नाटक की शान शेर मैसूर हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमत का मकबरा कौमी यकजहती की मिसाल है टीपू सुल्तान की पैदाइश 20 नवंबर 1750 को देवनहली में हुई इनका असल नाम फ़तेह अली था टीपू सुल्तान को इनके दादा फ़तेह मोहम्मद के नाम की मुनासिबत से फ़तेह अली भी कहा जाता है टीपू सुल्तान का ताल्लुक गुलबर्गा शरीफ से भी रहा है बताया जाता है कि टीपू सुल्तान की दादी हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज़ गेसु दराज के ख़ानदान से ताल्लुक रखती थी ये श्रींगा के अंदर जो है टीपू सुल्तान शही रमत की जो है, है। यहाँ पर जो है ये गुम्बद जो दिस रहा है आपको यह गुम्बद के अंदर जो है तीन मज़ारात हैं एक जो है हज़रत हैदर रही इनके वालि साहब हैं और उनके वालदा हैं फ़ातिमा बेगम फख्रिससान वालद वालदा की यादगार में जो है सुल्तान शहीद ने जो है इस गुमत को तामीर किया और साथ ही साथ जो है मस्जिद को भी तामीर कराए सत्रह सौ चौरासी में यानी सत्रह सौ चौरासी सेवनटीन एटी फोर के अंदर जो है मस्जिद की तमीर हुई बायदा शत्रा मस्जिद में जो है पाचन नमाज होती है जुम्मा होती है ईद की नमाज़ जिस तरह जो गाँव की मस्जिदों में जो है अमल होता है उसी तरह जो है मस्जिद में भी जो है पाँच टाइम नमाज होती है जुम्मा होती है बाकी अमाल भी होते हैं और जितने भी ये हाथे के अंदर जो ऊपर और मज़ारत हैं उनकी फैमिली रिलेटिवस के हैं उनकी बीवी के बच्चों के मिलिट्री कमांडर हाफिसर्स के और ये बनाने का जो तर्ज है ये ईरान ईरान और तुर्की इंडियन के कल्चर से मिला कर जो है इसका सारा जो है डिज़ाइन बनाया हुआ है मस्जिद का नाम आकर जो है मस्जिद अक्सा है और ये गुंबद आकर जो है सिक्सटी फाइव फिट ऊपर है अंदर का जो गुंबद के अंदर जो कलर है जो पेंट किया हुआ है ये तकरीबन जब बिल्डिंग तामीर हुई उसी वक्त का पेंट है और इसे री पेंट नहीं हुआ ये आयल पेंट है इसे आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट से जो है ये केमिकल वाश होता है साल दो साल में एक मरतबा यहाँ काफ़ी तदाद में जो है हर मजहब के लोग आते हैं आपको जो मिसाल के तौर पर जो है यहाँ पर एक गंगा जमन जो तहजीब है देखने को मिलती है हज़र टीपू सुल्तान की मोहब्बत तो मैसूर से बेानतहा थी और टीपू सुल्तान मैसूर में अपना एक अलग मकाम बना लिया था अपने खिदमत के ज़रिए से और उन्होंने अपने जो है बहुत सारे जो है कारनामों के ज़रिए से और मैसूर के राजा महाराजा लोग भी जो है हज़र टीपू सुल्तान की जो है खदमत को सराया करते थे और तारीख गवाह है कि हजरत टीपू सुल्तान को जो है मैसूर के इन खदम को देखते हुए आपको शेर मैसूर कहा गया हज़रत टीपू सुल्तान रहमतल्ल का यह कौल था कि गीदड़ की सौ साल जिंदगी से शे, शेर की एक दिन की ज़िंदगी बेहतर है मतलब जियो तो हक़ के लिए जियो मरो तो हक़ के लिए सच्चाई के लिए अच्छाई के लिए काम करते हुए मरो तो एक आंख मेरी हिंदू है तो एक आंख मेरी मुसलमान है तो मतलब दोनों को मैं मसावत की नज़र से देखता हूं और दोनों के साथ मैं इंसाफ़ करता हूं और उन्होंने ऐसा ही किया टीपू सुल्तान का नाम फतेह अली मोहम्मद था जो उनके दादा की मुनासिबत से ये नाम रखा गया था लेकिन वो टीपू सुल्तान इसलिए मशहूर हुए कि हरकाट के बुजुर्ग की दुआओं से उनकी विलादत हुई थी इसीलिए उस बुजर्ग के नाम से वो टीपू सुल्तान मशहूर हुए टीपू सुल्तान का गुलबरगा से भी ताल्लुक़ है कहा जाता है कि उनकी दादी जो हैं वो गुलबरगा के अजीम सूफ़ी बुजर्ग हजरत ख्वाजा बंदनवाज़ के खानवादे से ताल्लुक़ रखती थी टीपू सुल्तान वली सिफ हुक्मरान थे और उनकी ये उनके मामूल में ये बात शामिल थी कि वो हमेशा बावजू रहते और क़ुरान की तिलावत करते और सबसे अहम बात यह है कि वो एक हुक्मरान एक बादशाह होते हुए सादा सी जिंदगी उन्होंने गुजारी और इसका सबूत यह है कि वो हमेशा ज़मीन पर सोते थे उन्होंने कभी भी पलंग या तख्त का इस्तेमाल नहीं किया ज़मीन पर सोते थे और कई जबानों से वो वाकिफ थे अरबी फ्रांसीसी, अंग्रेज़ी उर्दू और कड़ा में भी उनकी खत व किताबत हुई है आज भी उसके सबूत मौजूद हैं और फिर टीपू सुल्तान की कौमी एकजहती का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि उनके महल के मुतसिल रंगनाथ का मशहूर मंदिर वाक़ है जो आज भी मौजूद है इस मंदिर से पूजा की और आरती की आवाज़ें घंटे बजाने की आवाज़ें सुनाई देती थी जो टीपू सुल्तान का महल बिल्कुल ख़रीब होने की वजह से उनको खलल होता था इसके बावजूद उन्होंने कभी भी इस पर एतराज़ नहीं किया ये बहुत अहम बात है और आज भी हम देखते हैं कि वो मंदिर वहाँ मौजूद है टीपू सुल्तान के महल में कई मनादिर मौजूद हैं तो इससे पता चलता है कि वो हिंदू मुस्लिम एकजहती के अलमबरदार थे और दूसरे मजाहिब का वो बहुत ज़्यादा एहतराम करते थे हर मज़हब के लोग यहाँ पर बिला मज़हब यहाँ पर गए हज़रत टीपू सुल्तान के बारगा में हाज़िर देते हैं टीपू सुल्तान ने अपने दौर में कई मंदिर में तमीर की और मस्जिदें में तमीर की हज़रत टीपू सुल्तान एक सैकुलर बादशाह थे एक सकुलर हुकुमरान थे हज़रत टिपुल सुल्तान ने हमेशा मुल्क की तरक्की के लिए मुल्क की भलाई के लिए हमेशा अपनी आवाज़ को बुलंद किया है ई टी वी भारत के लिए श्रीनगरपट्टन से अब्दुलरशीदक की